नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। मिशन 2024 यानी पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 की हम बात कर रहे हैं। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी गतिविधियों में जुटा हुआ है और हर प्रकार की तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में आज एक अच्छी खबर और बड़ी खबर निकल कर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और ये खबर राष्ट्रीय खबर है क्योंकि जो जेपी नड्डा हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने अपनी नई कमेटी का गठन कर दिया है और कुल जो जानकारी है उसमें करीब करीब 38 पदाधिकारी बनाए गए हैं। तो जो जानकारी है वो हम आपको दे दें। उसमें सबसे पहले ये जानकारी आपको देते हैं कि इस टीम में कौन कौन से पदाधिकारी बनाए गए हैं, कौन कौन से व्यक्ति और किस किस स्टेट का प्रतिनिधित्व मिला है, ये हम आपको जानकारी देते हैं। इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो बनाए गए हैं उसमें कुल 13 लोग शामिल किए गए हैं। उसमें रमन सिंह हैं, जैसा कि आप जानते हैं ये आपको छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और इसके अलावा वसुंधरा राजे, ये भी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। रघुवर दास झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, इनको जगह दी गई है। इसके अलावा सौदान सिंह, ये मध्य प्रदेश से हैं। बैजंत पांडे ओडिशा से हैं। सुश्री सरोज पांडे सांसद, ये छत्तीसगढ़ से हैं। श्रीमती रेखा वर्मा सांसद उत्तर प्रदेश से हैं। श्रीमती डीके अरुणा तेलंगाना से हैं, और एम चौबा एओ नागालैंड से, अब्दुल्ला कुट्टी केरला से, लक्ष्मीकांत वाजपेयी सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, श्रीमती लता उसेरी छत्तीसगढ़ से, और तारिक मंसूर विधान परिषद सदस्य हैं आपको उत्तर प्रदेश के, इनको जो है सो। और तारिक मंसूर के बारे में बताया जाता है कि एमयू के पूर्व कुलपति भी रहे हैं और अभी विधान परिषद के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन्हें बनाया गया है उपाध्यक्ष बनाया गया है। कुल 13 उपाध्यक्ष का नाम हमने आपको बता दिया। इसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्री जो है उनकी सूची है, वो भी हम आपको जानकारी दे दें। अरुण सिंह सांसद उत्तर प्रदेश, कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश, दुष्यंत कुमार गौतम दिल्ली, तरुण चुग पंजाब, विनोद तावरे महाराष्ट्र, सुनील बंसल राजस्थान, संजय बंदी सांसद तेलंगाना, और राधा मोहन अग्रवाल सांसद उत्तर प्रदेश, ये राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा जो और सूची है ये भी हम आपको बता देते हैं। राष्ट्रीय अन्य पदाधिकारी में श्री बीएल संतोष को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बनाया गया है, और श्री शिव प्रकाश जो कि लखनऊ के हैं, इन्हें राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री बनाया गया है। राष्ट्रीय सचिव की बात अगर कर ले तो श्रीमती विजया राहटकर महाराष्ट्र, सत्यम कुमार आंध्र प्रदेश, सत्या कुमार आंध्र प्रदेश, अरविंद मेनन दिल्ली, श्रीमती पंकजा मुंडे महाराष्ट्र, डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना पंजाब, श्रीमती डॉक्टर अलका गुर्जर राजस्थान, अनुपम हाजरा पश्चिम बंगाल, ओम प्रकाश दुबे मध्य प्रदेश, ऋतुराज सिन्हा बिहार, श्रीमती आशा लकरा झारखंड, कामाख्या प्रसाद तासा सांसद असम, और सुरेंद्र सिंह नागर सांसद उत्तर प्रदेश, अनिल अंटोनी केरला, कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल उत्तर प्रदेश, और सह कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं नरेश बंसल उत्तराखंड। तो ये सारे पदाधिकारी बनाए गए हैं, और इसमें हम अगर बिहार की चर्चा कर लें तो मात्र एक ऋतुराज सिन्हा का नाम शामिल हुआ है राष्ट्रीय सचिव के पद पर। वो नामित किए गए हैं जेपी नड्डा जी के जो संगठन है, जो उनका कार्य समिति कार्यकारिणी हुआ, उसमें जो पदाधिकारी बनाए गए उसमें बिहार से मात्र एक सचिव के पद पर आए हैं ऋतुराज सिन्हा। ऋतुराज सिन्हा को जानकारी है ही कि आर के सिन्हा के बेटे हैं, और आर के सिन्हा पूर्व में राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, और ऋतुराज सिन्हा को पटना साहिब लोकसभा का सीरियस कैंडिडेट भी माना जा रहा है। और ये जो चर्चा है पॉलिटिकल गलियारों में, उसमें ये है कि जो अभी वहाँ के सिटिंग सांसद हैं उनका टिकट कट सकता है, और ऋतुराज सिन्हा वहाँ से पटना से कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं।
जैसा कि आपको जानकारी है कि फिलहाल रविशंकर प्रसाद पार्टी के बड़े नेता हैं, वो पाटली में पटना साहिब से सांसद हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में राजनीति में और क्या होता है नहीं होता है। आप अपने जगह पर है, बड़ी पार्टी है और इसका निर्णय जो भी होता है सो राष्ट्रीय कार्य समिति या पार्लियामेंट्री बोर्ड वगैरह में होता है, तो उतना तो हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते इस बारे में। लेकिन जो है, हालांकि जो लिस्ट जारी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं बिहार जैसे बड़े प्रदेश और खास करके बीजेपी के लिए टफ प्रदेश है, उस प्रदेश में से मात्र एक व्यक्ति को अगर राष्ट्रीय पदाधिकारी की में शामिल किया गया है, तो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को या पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को हमें लगता है कि रास नहीं आया होगा, किसी न किसी और को शामिल किया जाना चाहिए था। बहरहाल यह तो पार्टी का अंदरूनी मसला है, इस पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। एक अपील कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।